स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर में लहका को समझने वाले हैं। लहका पहचाने का ट्रिक आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी साबका पढ़ा चुकी हूँ। साबका लहका होता है, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है हिंदी में। तो साबका यानी कि उपसर्ग प्रीफिक्स को ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और प्रीफिक्स यानी कि साबका को पहचानने का ट्रिक भी मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त बताई थी। जितना भी साबका था ना, टोटल मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें इसका पहला वाला, तो ज़रूर देख लें। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। साबका अगर वो वीडियो देख लेते हैं ना, तो टोटल वहाँ पर मैं साबका बता चुकी हूँ। 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा साबका पहचानने में, ठीक है? तो वहाँ से साबका क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं लहका बता दे रही हूँ, यानी कि सफिक्स बता दे रही हूँ। देखिए, बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही है, आप लोग जरा उसको इग्नोर कीजिएगा। बात को यहाँ पर समझिए। आज के इस वीडियो में हम लोग लहका समझने वाले हैं, और टोटल लहका बताऊँगी। जितना भी लहका होता है, सारा का सारा लहका यानी कि सफिक्स बता दूँगी, ठीक है? मतलब इन दोनों वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इसके पहला वाला और अभी ये वाला वीडियो देखने के बाद, साबका और लहका में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अगर आप लोग आगे चलकर किसी बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये दोनों वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है? कभी भी ज़िंदगी में साबका और लहका से कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग पहला वाला वीडियो देख लिए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लहका को समझ लेते हैं, और पूरा ट्रिक आप लोगों को पता चलेगा, मतलब टोटल लहका समझ में आ जाएगा। लहका किसे कहते हैं? लहका को इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स, और हिंदी में कहा जाता है प्रत्यय, यानी कि वैसा हर्फ, अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जो किसी लफ्ज़ के लास्ट में जाकर जुड़ जाए, उस अक्षर या फिर अक्षरों के समूह को कहते हैं लहका। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी याद रखने का, ला से लहका, ला से लास्ट, यानी कि वैसा अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जो किसी हर्फ के लास्ट में जाकर जुड़ जाए। ला से लहका, ला से लास्ट, यानी कि लास्ट में जुड़ जाए। और साबका, स से साबका और स से शुरू, यानी कि वैसा अक्षर या फिर अक्षरों का समूह जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़ जाए। तो जो शुरू में जुड़ता है उसको कहते हैं साबका, स से साबका और स से शुरू। और लहका कहते हैं जो लास्ट में जाकर जुड़ जाए। ये इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे कि ईदगाह एग्जांपल भी दी थी मैं, ईदगाह, ईद है, ईद ये एक लफ्ज़ है, ठीक है? ईद मतलब ये एक त्यौहार है, पर्व है, आप बोल सकते हैं फेस्टिवल, ईद हम लोग का, ठीक है? तो ईद के ये एक लफ्ज़ है, और इसी ईद के लास्ट में अगर मैं गाह लगा दूँ, तो गाह लगाने के बाद ये एक नया लफ्ज़ बन गया, ईदगाह, ठीक है? और इसका अर्थ भी बदल गया, मीनिंग भी बदल गया। पहले ईद था, अब लास्ट में गाह लग जाने की वजह से ईदगाह बन गया, यानी कि ईदगाह का मतलब क्या होता है? नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ने वाली जगह, ठीक है? ईद की नमाज़ पढ़ने वाली जगह को कहते हैं ईदगाह। तो देखिए, अर्थ भी बदल गया, मीनिंग भी बदल गया, प्लस ये एक नया शब्द भी बन गया। तो ईदगाह, इसमें लास्ट में क्या आकर जुड़ा है? गाह। तो इसी गाह को क्या कहा जाएगा? लहका कहा जाएगा। इस गाह को कहेंगे लहका, मदद गार। पहले मदद था, लास्ट में गार जुड़ गया, तो वो जो लास्ट में गार जुड़ा है ना, तो गार को कहेंगे लहका, जो कि मदद के लास्ट में जाकर जुड़ गया है, मददगार, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साबका और लहका किसे कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैं ढेर सारा, जितना भी लहका होता है ना, टोटल का टोटल मैं लहका लिख दी हूँ। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछेगा ना, तो इसी में से पूछेगा। ये जितना भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा लहका है। इससे बाहर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं टोटल बोर्ड पर सारा का सारा लहका लिख दी हूँ। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला है अफजा। देखिए, बाहर से आप लोग को नॉइजिंग आ रहा होगा, आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन आप लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, अब बाहर के लोगों को कितना समझाया जा सकता है। चले, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला जो लहका है वो है अफजा। अफजा क्या है? एक लहका है, यानी कि ये जो अफजा है, ये किसी लफ्ज़ के लास्ट में जाकर जुड़ जाएगा, और एक नया लफ्ज़ बना लेगा, और उस लफ्ज़ का अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, पहले था रूह, पहले सिर्फ रूह था, और रूह के लास्ट में क्या जुड़ गया? अफजा। तो रूह अफजा हो गया, सुने होंगे आप लोग ये लफ्ज़, रूह अफजा। पहले हौसला था, लास्ट में अफजा जुड़ गया, तो हौसला अफजा, ठीक है? रौनक अफजा, तो रूह अफजा, हौसला अफजा, रौनक अफजा, सबके लास्ट में क्या है? अफजा, अफजा जाकर जुड़ गया है, यानी कि अफजा क्या है? लहका है। तो ये पहला लहका हो गया, ठीक है? अब जिस भी लफ्ज़ के लास्ट में आप लोग को अफजा दिखाई दे, समझिएगा कि उस लफ्ज़ में क्या है? लहका, अफजा है, ठीक है? अब आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर पूछे, आप लोग को एकदम सही टिक करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज में से
लाहका की पहचान करें, या फिर कोई भी एक लफ्ज़ दे देगा और बोलेगा कि इस लफ्ज़ में लाहका कौन है। चार ऑप्शन दिया रहता है, जिस तरह से भी घुमाकर पूछें आप लोग को सही आंसर बताना है, क्योंकि सारा का सारा लाहका मैं लिख दी हूँ यहाँ पर। सबसे पहला लाहका हो गया अफजा, दूसरा देखिए, दूसरा हो सकता है अंगेज़, यानी कि किसी लफ्ज़ के लास्ट में जो लाहका लग सकता है वो है अंगेज़। जैसे कि हैरत के लास्ट में अंगेज़ लग गया तो हैरत अंगेज़, फ़िक्र के लास्ट में अंगेज़ लग गया तो फ़िक्र अंगेज़, दहशत अंगेज़, तो इन सभी लफ्ज़ में अंगेज़ जो है ना वो लाहका है, यानी कि सफिक्स है, प्रत्यय है। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रत्यय। आमेज़, जहर आमेज़, हसरत आमेज़, नसीहत आमेज़, तो आमेज़ भी क्या है? लाहका है। गैर आमेज़ हो गया, गैर, देखिए गैर नहीं, सॉरी मैं गैर बोल दी, गिर, गिर, ठीक है। अफजा, अंगेज़, आमेज़ हो गया, अब यह है गिर, गिर भी क्या है? लाहका है। जैसे कि जहांगीर, लास्ट में क्या है? गिर, पहले जहान था लास्ट में गिर लग गया तो जहांगीर हो गया, आलम था लास्ट में गिर लग गया तो आलमगीर हो गया, राह था लास्ट में गिर लग गया तो राहगीर हो गया, जा था और लास्ट में गिर लग गया, जागीर, ठीक है। तो जहांगीर, आलमगीर, राहगीर, जागीर, इन सभी लफ्ज़ में लास्ट में क्या है? गिर है, यानी कि गिर एक लाहका है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, गार, मददगार, परवरदिगार, खिदमतगार, यादगार। अगला है गर, गर भी क्या है? एक लाहका है। जैसे कि जादूगर, सौदागर, बाजीगर, जलवागर, कारीगर, तो लास्ट में गर, 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 यानी कि गर भी क्या है? एक लाहका है। मतलब आप कोई भी लफ्ज़ उठा लीजिए, कोई भी लफ्ज़ अगर उसके लास्ट में लाहका है ना, तो इसी लाहका में से कोई एक लाहका दिखाई देगा आप लोगों को, सारा का सारा लाहका है इसी में से। मतलब कोई भी लफ्ज़ हो लास्ट में अगर लाहका मिलेगा तो इसी में से मिलेगा। आप लोग इनको याद कर लेंगे ना तो समझिए कि एक भी लाहका नहीं छूटने वाला और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया गर। उसके बाद से है मंद, जैसे कि अकलमंद, फ़ायदेमंद, ख्वाहिशमंद, दौलतमंद। उसके बाद से है कार, कार भी एक लहका है, जैसे कि अदाकार, फनकार, रयाकार, तजर्बाकार, सुने होंगे आप लोग। तो ये सब क्या है? इन सभी लफ्ज़ में कार लास्ट में जुड़ा हुआ है, यानी कि कार क्या है? लहका है। वर है, वर, जैसे कि पेशावर, ताकतवर, सरवर, लास्ट में वर, 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 यानी कि वर क्या है? लहका है। याब, याब भी क्या है? लहका, यानी कि सफिक्स है, हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि कामयाब, लास्ट में क्या है? याब। नायाब, लास्ट में याब। दस्तयाब, लास्ट में क्या है? याब, तो याब हो गया लहका। नुमा, जैसे कि रहनुमा, खुशनुमा, क़िबलानुमा, तो नुमा भी क्या है? लहका है। गो, गज़ल गो, नज़म गो, कानून गो, मरसिया गो, दास्तान गो, लास्ट में गो, गो, तो गो क्या है? लाहका। ये आधा सेक्शन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इधर आते हैं। अगला है बंद, जैसे कि कमर बंद, नज़र बंद, हथियार बंद, तो बंद भी लाहका, निगार भी लाहका है। आप लोग जानते होंगे खतूत निगार बोला जाता है, मज़मून निगार बोला जाता है, वाक्या निगार बोला जाता है। मतलब खतूत निगार मतलब क्या? खतूत लिखने वाला, निगार का मतलब होता है लिखने वाला। जैसे कि मज़मून निगार यानी कि मज़मून लिखने वाला, वाक्या निगार यानी कि वाक्या लिखने वाला, ठीक है। तो निगार आप लोग जानते हैं, निगार भी क्या है? लाहका है। पसंद, तरक्की पसंद, जिद्दत पसंद, शोहरत पसंद, लास्ट में पसंद, 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 यानी कि लाहका है पसंद। ख्वा, जैसे कि नात ख्वा, कुरान ख्वा, अफसाना ख्वा, तो ये सब क्या है? ख्वा, ख्वा, इसको क्या कहेंगे? लाहका कहेंगे आप लोग। दार, जैसे कि खुददार, ताजदार, ज़मींदार, ज़िम्मेदार, थानादार, तो लास्ट में दार, दार आ रहा है, यानी कि दार एक लाहका है। उसके बाद से अगला लाहका देखिए, दान है, कलमदान, खानदान, रोशनदान, कदरदान, तो दान लाहका। रिसा, जैसे कि पैगाम रिसा, रोज़ी रिसा, खबर रिसा, ठीक है, रिसा भी एक लाहका है। आरा भी लाहका है, आप लोग नाम सुने होंगे, जहां आरा, जहां आरा नाम सुने होंगे, लड़की का नाम रखा जाता है अक्सर, ठीक है, तो जहां आरा, अंजुम आरा, या फिर अंजुमन आरा, या फिर गुलशन आरा, तो आरा मतलब क्या? आरा लास्ट में लगा कर नाम बनाया गया, जहाँ के लास्ट में आरा लगा दिया गया, जहाँ आरा नाम हो गया, अंजुम आरा नाम रखा जाता है लड़कियों के अक्सर। तो ये सभी क्या है? इन सभी लफ्ज़ में आरा क्या है? लाहका है। आगे बढ़ते हैं, अंदाज, अंदाज भी जो है ना ये लाहका है, जैसे कि नज़रअंदाज और तीरंदाज, लास्ट में क्या लगा दिया गया? अंदाज लगा दिया। उसी तरह है बाज, बाज भी एक लाहका है, जैसे कि आतिशबाज, तीरबाज, दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज, तो इन सभी लफ्ज़ में लास्ट में बाज आ रहा है, यानी कि बाज क्या है? लाहका है। उसी तरह है ज़दा, गमज़दा, हैरतज़दा, तकलीफ़ज़दा, मुसीबतज़दा, लास्ट में ज़दा, ज़दा, यानी कि ये जो ज़दा है ये लाहका है। देख रहे हैं, या तो एक हर्फ रहेगा, नहीं तो एक से ज़्यादा हर्फ का समूह रहेगा। देखिए एक दो तीन, इसमें तीन हर्फ का ये क्या है? एक समूह है, जो किसी
लफ्ज के लास्ट में आकर जुड़ गया है, गम के लास्ट में ज़दा जुड़ गया है, गम ज़दा एक नया लफ्ज़ बन गया और मीनिंग भी बदल गया, तो ज़दा क्या कहलाएगा, लहका कहलाएगा। लास्ट में है, लास्ट है लहका पन, जैसे कि बचपन, लड़कपन, भोलापन, पागलपन, दीवानापन, कालापन, तो लास्ट में पन पन पन, यानी कि पन क्या है, लहका, बस इतना ही लहका होता है। मतलब इतना ही में से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा, इससे बाहर पूछने वाला ही नहीं है। बस ये जितना भी मैं आप लोगों को लहका बताई ना, इसको याद कर लीजिए और ध्यान में रख लीजिए, इससे बाहर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लहका। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, अगर समझ में आया और ये लहका टोटल टोटल का टोटल मैं आप लोगों को बताई, ये ट्रिक ज़बरदस्त लगा है, तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दे और शेयर कर दे जितना ज़्यादा हो सके, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास दबा कर शेयर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह के ज़बरदस्त ट्रिक आप लोगों तक पहुंचाने की, ज़बरदस्त कंटेंट अपलोड करने का। ये जो मोटिवेशन मिलता है ना, आप लोग के सपोर्ट और प्यार से ही मिलता है, तो इसी तरह आप लोग हमेशा से ही हमें प्यार देते आए हैं, सपोर्ट करते हैं, बस प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, यही सपोर्ट और प्यार बरकरार रखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। चलिए यहाँ तक फटाफट ले लीजिए स्क्रीन शॉट। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उर्दू के ज़बरदस्त ट्रिक मैं इसी तरह लेकर आती रहती हूं, तो वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्द मुज़क्कर मोनस का भी ट्रिक मैं आप लोगों को जैसा कि बताई भी हूँ लेकर आने वाली हूँ। मतलब यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताया जाएगा ना, कि आप किसी भी लफ्ज़ को देखते के साथ ही पहचान सकते हैं कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। एकदम ज़बरदस्त ट्रिक, तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें, सब्र करें, पहले ही बता दी ताकि आप लोगों को पहले से ही पता रहे और पहले से ही आप लोग कुर्सी की पेटी बांध कर रखें, और जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आप लोग मौसम बदल दें, यानी कि पहले से ही मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत कुछ मैं आप लोगों को बता दी, फटाफट आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।